ऐसे कारण है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को होल्ड पे लगा दिया? एक कॉन्फ्रेंस दे दे करके कि कारण ही नहीं पता। प्रो या जिहड़ी किसानां दी गल कहिंदी है जां किसी ना किसी तरीके नाल किसान दे संघर्ष नाल जुड़दी है, तुसीं नैशनल मीडिया देखो ना, जो उन्हां दा एटीट्यूड है उही उन्हां दे बाकी इदारिआं दा एटीट्यूड है। कुछ ना कुछ बोलना चाहिए या फ्रंट के उपर आना चाहिए क्योंकि वो हमेशा बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द मीडिया ही रहे। सिद्धू है नहीं गे, उन्होंने कोई शो सी तो फिर असी कहा कि क्योंकि इंडिया रिलीज़ नहीं हो पा रही तो तुसी उत्थे बैठ के प्रमोट करो। जट फिल्म की इंडिया में रोक लगी है, क्यों लगी है जानते हैं राइटर ऑफ द फिल्म गुरिंदर डिंपी जी तो। सत श्रीकाल जी। की कारण हुए ने क्योंकि 1 तरीक नू फिल्म रिलीज़ होने वाली सी सिद्धू मूसे वाले दे मूसा जट, तुसी राइटर हो फिल्म दे, की ऐसे कारण ने कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म नू होल्ड पे लगा दिया? कारण एक कॉन्फ्रेंस दे करके कि कारण ही नहीं पता। वर्बली मतलब दे सेड कि क्लाइमैक्स चेंज कर दो, वर्बली उन्होंने कहा कि ये फिल्म किसानों की एजिटेशन च मतलब घ्यो पा रही है, वर्बली कही गल है ना। जब भी कोई फिल्म आती है ना वो सारी चीज़ा पहले तो ही डिसाइड होंगे ने, सेंसर बोर्ड भी पहले चल जाती ने, तो की लगता है कि एंड मौके दे उपर आके क्योंकि अज एक दिन रह गया फिल्म रिलीज़ होने, एंड मौके पर आके ना की गई है, रोक लगा दी गई है इंडिया दे विच, क्यों परपसली है या फिर किसी होर चीज़ करके रोकया? नहीं, 100% प्रेशर है उन्होंने, गवर्नमेंट के उपर प्रेशर पाया जा रहा है, पंजाब की गवर्नमेंट के उपर कि इंडिया इंडिया गवर्नमेंट प्रेशर है उन्होंने। प्रेशर यह है कि जिन्हों जनरलाइज करा गल, प्रेशर ये नहीं गा कि मूसा जट, प्रेशर यह है कि इस किस्म की फिल्म विच इज प्रो या जिहड़ी किसानां दी गल कहिंदी है जां किसी ना किसी तरीके नाल किसान दे संघर्ष नाल जुड़दी है, तुसीं नैशनल मीडिया देखो ना, जो उन्हां दा एटीट्यूड है उही उन्हां दे बाकी इदारिआं दा एटीट्यूड है। मूसे वाले की जड़े जब भी कोई गाना भी आता है तो भी कितना कितने कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, पर इस बार उम्मीद सी कि जब फिल्म आऊगी विदाउट किसी कॉन्ट्रोवर्सी तो आऊगी, कितना कितने यह भी रीज़न रहेंगे कि सिद्धू मूसे वाले के नाल ना ही शब्द जो कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ चुके हैं तो फिल्म के भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हूँ ही देखो 295 आया, मैनू मतलब लोगों ने फोन कर करके कहा कि यह प्रोबेबली पंजाब का सब तो वधिया गीत है ना। एक सिद्धू का दूसरा पक्ष हैगा बट वो पॉप कल्चर से ना कदे कदे उड़ जाता। सिद्धू का पक्ष यह है कि सिद्धू वाकई ही जमीन का पुत्त है। लगता कि इस मौके के उपर जी सारी फिल्म ही सिद्धू के आले दुआले घूमती है कि सिद्धू ने भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए या फ्रंट के उपर आना चाहिए क्योंकि वो हमेशा बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द मीडिया ही रहे। सिद्धू है नहीं गे, उन्होंने कोई शो सी तो फिर असी कहा कि क्योंकि इंडिया रिलीज़ नहीं हो पा रही तो तुसी उत्थे बैठ के प्रमोट करो, कल प्रीमियर है यूके च है ना, साडा वीज़ा नहीं लग्या, अदरवाइज वी वुड हैव बीन देयर। सिद्धू लाइव होगा अज है ना, एक्चुअली की है सानू ए लग रहा सी अज कि शायद सेंसर मिल जूगा, वी आर वेटिंग फॉर दैट है ना। की डिसाइड किए अब्रॉड के तो तुम 1 तरीक रिलीज़ कर देनी है बट इंडिया के रिलीज़ करने की तुम भी जो चेंजिस सेंसर बोर्ड मांग रहे हैं वो चेंजिस करने लिए रेडी हो या फिर तुम भी थोड़े जो और एफर्ट करोगे कि सेंसर के उपर भी थोड़ा प्रेशर आए क्योंकि बहुत सारी चीज़ा है ने। OTT की जी गल करिए उत्थे किसी भी तरीके का सेंसर बोर्ड नहीं देखा जाता, उत्थे भी बच्चे देख रहे हैं, फैमिलीज़ देख रही ने, उन्होंने चीज़ों देख रहे हैं अपने मोबाइल्स उपर, बट जब फिल्मों की गल आ जाती है स्पैशली पंजाबी फिल्मों की तो बहुत सारिया चीज़ों रोकया जाता है। तुम्हें पता होगा कि शाहिद कपूर की भी एक फिल्म आई थी जो उपर किसी भी तरीके रोक तो नहीं लगी सी, उहदे विच शरेआम गालां कढ़ियां गईआं सी। अड़ रहे हैं जी, अड़ांगे, जो कहानी बनाई है, जो फिल्म बनाई है, जो उहदी रूह है फिल्म की, मैनू कहते आपका क्रिएटिव फ्रीडम मरना नहीं चाहिए, मैं कह नहीं, मैं आपकी फिल्म मरती देख रहा, तुसीं जिन्ने कट कह रहे हो, मैं मसीहो साहब नूं कही है गल, मैं क्या मेरी फिल्म मर चुकी है, बचा तुसीं सकदे हो है ना, पर मैनू इदां भी अपाहज फिल्म नहीं चाहिए, मैं इस फिल्म नूं अपाहज विल फाइट है ना, सेंसर बोर्ड नाल फाइट करांगे है तो देखो साडा अदारा, मैं सर ए नहीं कहना भी कोई गैर सरकारी गल नहीं कि साडा अदारा है, प्रोबेबली इट विल हैव एनफ कॉमन सेंस कि समझे इस गल नूं, पर देखो जे जेड़े लिबरल कहते होंगे सी ना जिवें नसरुद्दीन साहब जां शबाना जी या दीप्ति नवल जिहड़ियां गल्लां कहते होंगे सी ना भी आ सेंसरशिप नाल कल नूं ऐ होना थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम स्टिफल होगा, वो गल्लां सामने आ गईआं।
एक तुहाड़ी फिल्म एसोसीएशन भी बनी हुई है कि इस टाइम के उपर जब किसी भी फिल्म के उपर आके मौके के उपर रोक लगती है कि उस टाइम के उपर तुसी सारे रलदे हो कि वो जिहड़ी फिल्म एसोसीएशन बनी है वो नाल खड़ी हुंदी है। मैं लगता है भाजी ने फोन करया सी प्रोड्यूसर साहब ने ते प्रोबेबली वो कुछ एक्शन लैणगे। इट इज कल दी गल ही है ना सारी, है ना। अज उन्हां नूं पहुंचूगी गल, अज उन्हां नूं दसांगे। सानूं शॉर्ट नोटिस ते प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद यह है कि लोगों को ऐ लग रहा है बैन होगी, जिवें तुसी कहा कि सिद्धू करके बैन होगी। नो, इट हैजंट बीन बैंड, ये रोकी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ कट ला दो, सिद्धू का कोई कसूर नहीं गा, जिन्ना कसूर है जो कसूर हैगा तो मेरा हो सकता, वो स्टोरी राइटर का हो सकता कि उन्हें वो किया। सिद्धू नाल जिहड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ती है वो इस फिल्म का कोई वो लेना देना नहीं। और तुहाडे अकॉर्डिंगली जिहड़े सिर्फ जिहड़ी चीज़ां फार्मर्स के फेवर के दिखाई हैं उन्हां च एक कट है या कुछ होर भी चीज़ां ने जिन्हां के उपर जिहड़ी रियलिटी पंजाब की बयान करती है उन्होंने चीज़ों भी जिहड़ा हैगा कट किया गया? उन्होंने पंजाब की समझ ही नहीं गई, मतलब है ना। फॉर एग्जाम्पल हुण असीं वर्ड यूज़ कर रहे हैं पतंदर, उन्होंने लग रहा कंजर, मतलब उत्थे तुसीं उन्हां नूं, मतलब मैनूं अज तक ये नहीं समझ च आया जिहड़े बंदे नूं पंजाबी दी समझ नहीं गई वो उत्थे बैठ के मैनूं मेरा विवेचन कर रहे। बहुत सारी फिल्मों के डिंपी जी पतंदर शब्द पतंदरा शब्द यूज होए ने, सो कितने ना कितने थोड़ा लगता कि इंटेंशनली हैगा कि उन्होंने उपर प्रेशर कितने ना कितने नहीं 100% इंटेंशनल है। अदरवाइज अगर एजिटेशन ना चल रही होंगी तो इन्हें नैशनल अवार्ड जितना सी फिल्म। सुसाइड्स तो है, मतलब एक छोटा बच्चे उदी जमीन खुस जाती है उदा फादर उन्हें मार दिंदा, दैट काइंड ऑफ अ फिल्म है। पता कि ये कॉनोटेशन की बन गई है कि मूसा जट जिवें मौला जट पाकिस्तान वाली फिल्म है ना, जट साडे लई जट का मतलब यह जिहड़ा बंदा जमीन च घुलदा, जिहड़ा उन्हें वत्तर लाउंदा, जिहड़ा उन्हें बीजदा, जिहड़ा उन्हें खेती करता, जट का मतलब असल च है। अभी तो यह फिल्म लैके आए थे कि थोड़ा भी असी दसना चाहते हैं भी जट का मतलब की है। वो पाकिस्तानी कॉनोटेशन ड्रामे नाल जुड़ गई गल, बड़ी साफ सुथरी, बहुत संवेदनशील फिल्म है। औखी है गल कहनी, सिद्धू नाल ये गल जुड़ती नहीं, बट वैन एंड एवर यू वॉच दिस फिल्म तुसी मैनू याद रखोगी कि मैं ये गल कही सी। वॉच द फिल्म जब भी थोड़ा एक मसला सॉर्ट आउट होंदा एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि फॉरन दे विच रिलीज़ हो रही है और तुहानू फॉरन दे विचों वधिया रिस्पोंस मिले क्योंकि मेकरस दे भी बहुत पैसे लगे होंदे ने, वो वर्थ इट हो जाण, साडे बेस्ट विशेज़ तुहाडे। थैंक यू, चक दो फट्टे फॉरन वाले जो कर सकते हो साडे लई करो। थैंक यू, सत श्री अकाल।